इस लेक्चर में हम थ्रेड लाइब्रेरीज को स्टडी करेंगे। पिछली कुछ वीडियोस में जो है हम थ्रेड से रेलिवेंट स्टडी किया, हमने थ्रेड के बारे में देखा कि थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग को स्टडी किया, मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को देखा, मल्टी थ्रेडेड के बेनिफिट्स को देखा, मल्टी थ्रेडेड के जो है मॉडल्स को हमने स्टडी किया। तो थ्रेड लाइब्रेरीज क्या होती हैं? थ्रेड लाइब्रेरीज जो बेसिकली अ थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड द प्रोग्रामर विद एन API फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ए थ्रेड्स। थ्रेड लाइब्रेरी बेसिकली प्रोग्रामर को API प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मैनेज कर सकें और क्रिएट कर सकें थ्रेड्स। तो API जो है उसको हम ये कह सकते हैं दैट इज़ बंच ऑफ ऑपरेशन लिस्ट और बंच ऑफ ऑपरेशन दैट डेवलपर और प्रोग्रामर कैन यूज़। एक प्रोग्रामर जो है वो इसको यूज़ कर सकता है जो बंच ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल होते हैं थ्रू API फॉर क्रिएटिंग। तो उसके साथ उसकी उस ऑपरेशन के साथ जो है उनकी डिस्क्रिप्शन भी मेंशन होती है कि उन्होंने क्या करना है। बट डेवलपर या प्रोग्रामर के लिए डजंट नेसेसरली नीड टू नो हाउ ये ऑपरेशन जो है या ये जो फंक्शन जो अवेलेबल हैं या लिस्ट ऑफ जो ऑपरेशंस अवेलेबल हैं उनको किस तरह इंप्लीमेंट किया गया है या उनकी डिटेल क्या है। दे डजंट नॉट नीड टू नो अबाउट द डिटेल ऑफ ऑपरेशंस, बस उसको यूज़ करना है और उसका पर्पस पता होना चाहिए जो कि प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी है। सो बेसिकली API जो हैं वो थ्रेड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं ताकि आप मैनेज कर सकें थ्रेड्स को या क्रिएट कर सकें। देयर आर टू प्राइमरी वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए थ्रेड लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज को इम्प्लीमेंट करने का दो तरीके हैं थ्रेड्स की, लाइब्रेरीज को इम्प्लीमेंट करने की। फर्स्ट वन इज अप्रोच, द फर्स्ट अप्रोच इज़ टू प्रोवाइड द लाइब्रेरी इंटायरली इन यूज़र स्पेस विद नो कर्नल सपोर्ट। यानी कि ये जो यूज़र थ्रेड्स हैं हमारे पास, हमारा डायग्राम में जो विजिबल है दैट इज़ यूज़र थ्रेड्स एंड दैट इज़ यूज़र स्पेस। सो ये जो पहली लाइब्रेरी है दैट इंटायरली अवेलेबल इन यूज़र स्पेस, कर्नल की सपोर्ट इसको अवेलेबल नहीं होती। इट्स मीन के जितने भी थ्रेड्स जो हैं लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल होंगे दे विल बी मैनेज इन यूज़र स्पेस। ऑल कोड एंड डाटा स्ट्रक्चर फॉर द लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी यूज़र स्पेस पे एग्जिस्ट करती है इसका तमाम कोड और डाटा स्ट्रक्चर फॉर लाइब्रेरी एग्जिस्ट इन यूज़र स्पेस। इट्स मीन के वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। दिस मीन दैट इनवोकिंग अ फंक्शन कॉल इन द लाइब्रेरी रिजल्ट इन ए लोकल फंक्शन कॉल इन यूज़र स्पेस नॉट ए सिस्टम कॉल। इसका मतलब ये है कि सिस्टम कॉल या फंक्शन कॉल ये हमारे पास सेम ऐसे ही है जैसे कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर जो है किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल जो है दैट इज़ कॉल टू सब रूटीन वो जो कि विच इज़ इधर रिटन एज ए पार्ट ऑफ सेम प्रोग्राम जो कि उसी प्रोग्राम के अंदर भी रिटर्न होता है लिखा जा सकता है और विच इज़ टू बी अ फाउंड इन द लाइब्रेरी ऑफ सब रूटीन और लाइब्रेरीज के अंदर भी जो है वो अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक सी के अंदर अगर आप देखें तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर भी फंक्शन डिवेलप कर सकते हैं राइट कर सकते हैं और आपको लाइब्रेरी की सूरत के अंदर भी अवेलेबल होते हैं जिनको आप हेडर फाइल के थ्रू जो है वो एक्टिवेट करते हैं। सो जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो लाइब्रेरी आपकी यूज़र स्पेस में अवेलेबल होगी उसमें जो भी आपने जो फंक्शन इन्वोक करना है दैट इज़ रिज़ल्ट ऑफ लोकल फंक्शन कॉल, उसको हम सिस्टम कॉल नहीं कहेंगे। सिस्टम कॉल जो है वो हम किस सेंस में कब कहेंगे, सेकेंड अप्रोच को हम जब देखते हैं। तो सेकेंड अप्रोच जो है द सेकेंड अप्रोच इज़ टू इम्प्लीमेंट अ कर्नल लाइब्रेरी सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स मीन के वो लाइब्रेरीज़ जो कि कर्नल स्पेस के अंदर अवेलेबल होंगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट करता होगा और इन दिस केस कोड एंड डाटा स्ट्रक्चर फॉर द लाइब्रेरी एग्जिस्ट इन कर्नल स्पेस और इनवोकिंग अ फंक्शन इन API फॉर द लाइब्रेरी टिपिकल रिजल्ट इन ए सिस्टम कॉल टू द कर्नल। इट्स मीन के यहाँ पे जो है इसमें सेकेंड अप्रोच में जो है जो लाइब्रेरी अवेलेबल होगी उसका तमाम कोड और डाटा स्ट्रक्चर जो है दैट विल अवेलेबल इन कर्नल स्पेस
और यहाँ पे जो आप फंक्शन कॉल करोगे इट्स मीन के दैट विल बी अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल मीन, सिस्टम कॉल क्या होती है ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ सिस्टम कॉल इज़ ए कॉल टू सब रूटीन जो कि एम्बेडेड होती है विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल जनरली जो हम इन्वोक करते हैं वो क्या क्या कहते हैं हम उसको, वो भी एक तरह का फंक्शन कॉल ही है, बट जो है यूज़र मोड से कर्नल मोड में जो है वो शिफ्ट हो जाता है जब भी सिस्टम कॉल जो है वो कॉल की जाती है। इट्स मीन कि सिस्टम कॉल इज़ नॉट रिलेटेड टू फंक्शन कॉल, अ सिस्टम कॉल इज़ ए फंक्शन फॉर एप्लीकेशन मोड टू रिक्वेस्ट द सर्विसेज बाय अंडरलाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स मीन के यूज़र का एप्लीकेशन जो है वो कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रही है और दैट विल बी अवेलेबल, दैट सर्विस अवेलेबल अंडरलाइन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम कॉल विल ब्रिंग द थ्रेड फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड, यूज़र मोड से कर्नल मोड में जो है वो आप जो है थ्रेड रनिंग होगा, एग्जीक्यूट द सिस्टम कॉल हैंडलर, तो ये और उसी तरह फिर वो वापस बैक में जो है वो रिटर्न होगा। दैट इज़ सिस्टम कॉल, इट्स मीन के सिस्टम कॉल में होगे। तो इट्स मीन के दो तरह की लाइब्रेरीज़ जो हैं अप्रोचेज आप यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइब्रेरीज जो हैं दैट विल अवेलेबल इन यूज़र स्पेस और उसको हम जस्ट लाइक फंक्शन कॉल कंसिडर करेंगे, जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम प्रोग्रामिंग में सिस्टम या सब रूटीन को कॉल करते हैं। बट सेकेंड वन इज़ जो है लाइब्रेरीज दैट विल बी अवेलेबल इन कर्नल स्पोस और ये सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम होगी और दैट इज़ ए सिस्टम कॉल, प्रॉपर सिस्टम कॉल होगा और जो है यूज़र मोड से कर्नल मोड में जो है वो शिफ्टिंग होगी। सो दैट इज़ टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, सॉरी टू टाइप्स ऑफ जो है आप लाइब्रेरी को दो तरीके से, दो अप्रोच के जरिए जो है वो मैनेज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ थ्रेड लाइब्रेरीज जो हैं, तो फर्स्ट वन जो है POSIX pthread लाइब्रेरीज जो हैं पोर्टेबल जो है, द थ्रेड एक्सटेंशन ऑफ POSIX स्टैंडर्ड मे बी प्रोवाइड इधर एज ए यूज़र लेवल और कर्नल लेवल लाइब्रेरी। सो दैट इज़ अ थ्रेड जो है pthread जिन्हें कहा जाता है, ये दोनों अप्रोचेस के साथ जो है वो अवेलेबल हैं। इधर कैन बी ए यूज़र लेवल में भी अवेलेबल हो सकती है लाइब्रेरी और कर्नल लेवल में भी लाइब्रेरी अवेलेबल हो सकती है। दैट इज़ मोस्टली यूज इन यूनिक्स पोर्टेबल सिस्टम में जो है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो इन लाइब्रेरीज को ज़्यादा सपोर्ट करता था। नेक्स्ट जो है Win32 या विंडो थ्रेड्स कहलाते हैं, दैट लाइब्रेरी इज़ ए कर्नल लाइब्रेरी अवेलेबल ऑन ए विंडो सिस्टम्स। तो विंडोज जो है वो Win32 लाइब्रेरीज जो हैं उनमें अवेलेबल होती हैं और दैट इज़ अवेलेबल इन कर्नल लेवल पे जो है दैट लाइब्रेरी अवेलेबल। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज़ ए जावा थ्रेड्स, सिंस जावा जनरली रन ऑन ए जावा वर्चुअल मशीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड इज़ बेस्ड अपॉन वट एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर द JVM इज़ रनिंग ऑन, pthread और 32 threads depending upon the system। Java जो है, Java की libraries जो हैं that is basically run on Java जो है वो JVM पे run करते हैं, Java virtual machine के ऊपर। तो थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन है वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर कौन सा है जिसके ऊपर JVM जो है वो रन कर रहा है। अगर विंडो के ऊपर रन कर रहा है तो इट्स मीन के Win32 की लाइब्रेरी यूज़ हो रही होंगी और यूनिक्स या लिनक्स इन्वायरमेंट है तो pthreads लाइब्रेरी रन हो रही है, तो इट्स मीन के जावा जो है उनके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज़ थ्री टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर, ये तीन तरह की लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो दो टू जनरल स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिंग ए मल्टीपल थ्रेड्स, दो तरह की स्ट्रेटजी को यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है। नंबर वन एसिंक्रोनस थ्रेडिंग और सिंक्रोनस थ्रेडिंग। तो विद एसिंक्रोनस थ्रेडिंग वंस द पेरेंट क्रिएट अ चाइल्ड थ्रेड द पेरेंट रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन सो दैट द पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट कंकरेंटली। Each thread runs independently of every other threads and parent threads do not threads need not to know when its child terminate because the threads are independent। पहली अप्रोच में ये है कि थ्रेड चाइल्ड पेरेंट और चाइल्ड जो है वो पेरेंट जो है वो चाइल्ड क्रिएट करने के बाद अपना जो ऑपरेशन या अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसको रिज्यूम करते हैं और दोबारा अपनी
टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और चाइल्ड जो है वो भी सेम टाइम पेरेंट के साथ एग्जीक्यूट हो रहा होता है, दोनों यानी कि कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एक ही टाइम पे, और दोनों थ्रेट इंडिपेंडेंट होते हैं। पेरेंट को ये ज़रूरत ही नहीं होती जानने की कि चाइल्ड टर्मिनेट हुआ है या नहीं, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट थ्रेट्स, सो दैट इज़ एसिंक्रोनस थ्रेडिंग। और देयर इज़ टिपिकली लिटल डाटा शेयरिंग बिटवीन द थ्रेड्स। इस तरह की जो थ्रेडिंग जो है उसमें डाटा शेयरिंग जो है वो बहुत कम है, बहुत कम। हर थ्रेड जो है वो अपना ही डाटा जो है वो यूज़ कर रहा होगा, बट लिटल शेयरिंग, दैट विल बी अ लिटल शेयरिंग। जैसे कि हमने देखा भी था कि थ्रेड्स के अंदर जो है एक प्रोसेस से जब थ्रेड्स बिलोंग करते हैं तो वो जो है वो रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं, मोस्टली अपना रिसोर्सेज से शेयर करते हैं। दैट इज़ वन बेनिफिट था मल्टी थ्रेडिंग का। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस थ्रेडिंग में जो है अगर पेरेंट और चाइल्ड क्रिएट हो, पेरेंट जो है वो चाइल्ड क्रिएट कर रहा है और कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनके दरमियान में शेयरिंग है लेकिन बहुत कम है। एसिंक्रोनस थ्रेडिंग इज़ द स्ट्रेटजी यूज इन मल्टी थ्रेडेड सर्वर, तो मोस्टली सर्वर्स जो हैं मल्टी थ्रेडेड वो इसको यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस थ्रेडिंग अकर व्हेन पेरेंट थ्रेड्स क्रिएट वन और मोर चाइल्ड एंड देन मस्ट वेट फॉर ऑल ऑफ इट्स चाइल्ड टू टर्मिनेट बिफोर इट रिज्यूम द सो कॉल्ड फोर्क जॉइन स्ट्रेटजी। इसमें जो है स्ट्रेटजी के अंदर सिंक्रोनस थ्रेडिंग के अंदर क्या होता है, पेरेंट जब चाइल्ड क्रिएट करता है एक या एक से ज़्यादा, वो वेट करता है जब तक कि उसके चाइल्ड जो हैं वो अपना टास्क या जॉब जो है कंप्लीट कर लें, और फिर वो अपना जो है टर्मिनेशन के बाद जो है वो अपना एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा या दोबारा अगेन स्टार्ट करेगा, और इस स्ट्रेटजी को जो है फोर जॉइन स्ट्रेटजी कहा जाता है। सो दैट इज़ सेकंड वन स्ट्रेटजी, जिसमें एसिंक्रोनस को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, और सिंक्रोनस को में जो है तो पेरेंट जो है दे मस्ट वेट until the child will complete its execution. So hence thread created by the parent perform work concurrently, but the parent cannot continue until this work has been completed. Parent जो है उस टाइम तक अपना काम जारी नहीं रखेगा जब तक के child जो है वो अपना जो है task complete ना कर ले। Once each thread has finished its work, it's terminated and joined with its पेरेंट। सो तमाम थ्रेड्स जो हैं जब अपना टास्क या जॉब कंप्लीट कर लेंगे और वो टर्मिनेट हो जाएंगे, देन ज्वाइन जो है वो पेरेंट्स को करेंगे। ओनली आफ्टर ऑल ऑफ द चिल्ड्रन हैव ज्वाइंड कैन द पेरेंट रिज्यूम द एग्जीक्यूशन। जब तमाम पेरेंट्स चाइल्ड जो है वो रिज्यूम कर लेंगे, देन दे विल पेरेंट जो है दे विल एग्जीक्यूट इस एग्जीक्यूशन। टिपिकली सिंक्रोनस थ्रेडिंग इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट डाटा शेयरिंग अमॉन्ग द थ्रेड्स। इस जो है स्ट्रेटजी के अंदर जो है सिंक्रोनस थ्रेडिंग के अंदर जो है डाटा शेयरिंग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू ए सिंक्रोनस, जिसमें लिटिल डाटा शेयरिंग थी, बट देयर इज़ इन्वॉल्व जो है सिग्निफिकेंट डाटा शेयरिंग जो है इन्वॉल्व है, यानी कि थ्रेड्स जो हैं वो डाटा शेयर कर रहे हैं।